गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोगों ने इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन का डिस्कशन कर रहे थे और उसमें हम लोग एक मेथड पढ़े हुए थे, फ्री हैंड कर्व मेथड। दूसरा पार्ट था अलजेब्रिक मेथड, जिसके अंतर्गत हम लोग दो तीन मेथड देखे हुए थे और एक मेथड का डिस्कशन कर रहे थे, बायनोमियल एक्सपेंशन मेथड। आज हम लोग बायनोमियल एक्सपेंशन मेथड में देखे थे कि उसके कोएफिशिएंट को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कॉम्बिनेशन का यूज करते थे, NC0, NC1, NC2, NC3, NC4 ऐसे करके NCn तक का। एक हम लोग पास्कल कोएफिशिएंट ट्रायंगल का यूज कर सकते हैं फॉर बायनोमियल एक्सपेंशन, या लिख सकते हैं फॉर बायनोमियल थ्योरम फॉर बायनोमियल थ्योरम एक पार्ट में लिखेंगे इंडेक्स, एक पार्ट में लिखेंगे कोएफिशिएंट। और एक पार्ट में लिखेंगे सम ऑफ कोएफिशिएंट। एक पार्ट में इंडेक्स, एक पार्ट में कोएफिशिएंट और एक पार्ट में सम ऑफ कोएफिशिएंट। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर मान लीजिए हम लोग का इंडेक्स 1 हुआ तो कोएफिशिएंट पहला का भी 1 होगा, दूसरे का भी 1 होगा, सम ऑफ कोएफिशिएंट 2 हो जाएगा। अगर इंडेक्स 2 हुआ तो पहला का कोएफिशिएंट 1, दूसरे का कोएफिशिएंट, लास्ट का कोएफिशिएंट 1 और ये दोनों को ऐड करके तीसरे, ये दोनों को ऐड करेंगे, इसका कोएफिशिएंट मतलब जो कोएफिशिएंट होगा दूसरे इंडेक्स 2 का वो 1, 2, 1 होगा, फर्स्ट का 1, सेकेंड का 2, थर्ड का 1, सम ऑफ कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा 4। तो आप यहाँ 2 को 2 का पावर 0 लिख सकते हैं, 4 को 2 का पावर 2 लिख सकते हैं। अगर इंडेक्स 3 हुआ तो फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट 1, सेकेंड टर्म का कोएफिशिएंट जो होगा ट्रायंगल ऑफ एडिशन से चलेगा, 1 और 2 जुटेगा 3, फिर 2 के साथ जुटेगा 1, इसका भी सम 3 एंड लास्ट का 1। तो इसका सम ऑफ कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, इसका सम ऑफ कोएफिशिएंट हो जाएगा 3, 3, 6, 2, 8 यानी कि 2 का पावर 3, 2 का पावर 0, सॉरी 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3। वैसे ही अगर इंडेक्स 4 हुआ तो पहला टर्म का कोएफिशिएंट 1, दूसरा टर्म में क्या होगा, ये दोनों जुटेगा तो कोएफिशिएंट कितना आएगा 4, तीसरा टर्म में फिर ये दोनों जुटेगा इसका कोएफिशिएंट आएगा 6, थर्ड में फोर्थ में आएगा 4 एंड लास्ट में 1। तो सम ऑफ कोएफिशिएंट कितना होगा, 6, 4, 10, 10, 4, 14 और 2, 16 यानी कि 2 का पावर 4। इस तरह से ये रिजल्ट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं पास्कल ट्रायंगल लॉ, पास्कल ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। कोएफिशिएंट निकालने के लिए जैसे कि अगर मान लीजिए आपका इंडेक्स 5 होता है, इंडेक्स 5 होता है तो फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट 1, सेकेंड में ये दोनों कोएफिशिएंट जुटेगा तो कितना आ जाएगा 5, फिर थर्ड का ये दोनों कोएफिशिएंट जुटेगा तो कितना आ जाएगा 10, फिर नेक्स्ट 6 और 4 जुटेगा तो कितना आ जाएगा 10, 4 और 1 जुटेगा तो कितना आ जाएगा 5 और लास्ट का 1। ये कोएफिशिएंट निकालने का तरीका है, इसको अगर ऐड करेंगे तो
टोटल कितना होगा 15, 15, 30 और 2, 32 मतलब 2 का पावर 5। इस तरह से क्या होगा बढ़ता जाएगा। और दूसरे एक और प्रोसेस क्या बताए थे, एक और प्रोसेस बताए थे कि फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट और सेकेंड टर्म का पावर टर्म्स मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ टर्म्स से क्या करते थे डिवाइड करते थे, उससे भी हम लोग को क्या निकलता था कोएफिशिएंट निकलता था। जैसे कि अगर मान लेते हैं लिखा हुआ एक्स फाइंड एक्सपेंशन लिखा हुआ है फाइंड एक्सपेंशन y माइनस 1 ऑल का पावर 6 इक्वल टू 0। इसका एक्सपेंशन निकालना y माइनस 1 ऑल का पावर 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि इंडेक्स का वैल्यू कितना है, इंडेक्स का वैल्यू है 6। तो सबसे पहले यहाँ पे जो फॉर्मेट चलेगा y 6 से शुरू होगा, यहाँ क्या लिखेंगे y6, y5, y4, y3, y2, y1 एंड y0 इक्वल टू 0। ऐसा पहले लिखेंगे y6 से स्टार्ट हो और लास्ट कहाँ पर जाएगा y0 इक्वल टू 0 तक। क्या होता था कि फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट 1, फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट 1 और लास्ट टर्म का कोएफिशिएंट 1। सेकेंड टर्म का कोएफिशिएंट निकालने के लिए क्या करते हैं कि 1 मल्टीप्लाई करते हैं 6 से और डिवाइड करेंगे 1 से, तो यहाँ 6 आ जाएगा। 6 मल्टीप्लाई होगा 5 से तो 30 होगा, डिवाइड ओवर 2 से तो यहाँ 15 आ जाएगा। 15 मल्टीप्लाई ऑफ 4 से तो 60, डिवाइड ओवर 3 से तो 20 आ जाएगा। 20 मल्टीप्लाई ओवर 3 से और डिवाइड ओवर 4 से तो 15 आ जाएगा, फिर यहाँ 6 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। ये ऑप्शन बना। अब क्या करेंगे प्लस माइनस सबट्रैक्ट, पहला टर्म प्लस, दूसरा टर्म माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। इस तरह से हम लोग इसका एक्सपेंशन आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरह से एक्सपेंशन। अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन से रिलेटेड। बाइनोमियल एक्सपेंशन से रिलेटेड कुछ हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन से रिलेटेड, और फिर हम लोग चलेंगे न्यूटन्स एडवांसिंग डिफरेंस की ओर। ये दो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के लिए। जैसे क्वेश्चन में कह रहे हैं क्या कि यूजिंग द इंटरपोलेशन मेथड एंड फाइंड आउट द लाइकली इंडेक्स नंबर फॉर 2003 फ्रॉम द फ्लोइंग टेबल। कह रहा कि इंटरपोलेशन मेथड से हम लोग को मिसिंग फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना है। यहाँ लिखा हुआ ईयर और एक जगह लिखा हुआ इंडेक्स नंबर। ईयर और लिखा हुआ इंडेक्स नंबर। ईयर दिया हुआ कितना 2001 से 2005 तक, 2001, 2002, 2003, 2004 and 2005। इंडेक्स नंबर दिया हुआ कितना 100, 107। यहाँ वाई टू मिसिंग कर दिया 157 एंड 210। तो ईयर जो है वो एक्स कहलाता है, ये होता है एक्स जीरो, ये कहलाएगा एक्स वन, ये कहलाएगा एक्स टू, ये कहलाएगा एक्स थ्री,
ए कहलाएगा एक्स फोर, ए कहलाता है वाई जीरो, ए कहलाता है वाई वन, वाई टू तो मिसिंग है, वाई थ्री और वाई फोर। यानी जहां तक जाएगा वो आपका हम लोग का इंडेक्स हो जाएगा, दैट इज ये कह सकते हैं कि इंडेक्स का वैल्यू क्या हुआ, फोर हुआ। हम लोग को इस क्वेश्चन में क्या करना है कि 2003 का इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है, जो कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, जो कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछा जाता है। तो n इज इक्वल टू 4 है, ये हम लोग का इंडेक्स नंबर है, तो ये लिख सकते हैं नाउ फॉर बाइनोमियल प्रॉब्लम इज y माइनस 1 होल टू द पावर 4 इक्वल टू 0, y माइनस 1 होल टू द पावर 4 इक्वल टू 0। अब इसको बाइनोमियली लिखकर एक्सप्लेन करेंगे तो क्या होगा, y 4 y 3 y 2 y 1 एंड y 0 इक्वल टू 0। बताया था फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट 1 होगा, लास्ट टर्म का भी कोएफिशिएंट 1 होगा। 1 मल्टीप्लाई होगा 4 से तो 4 आएगा, 4 मल्टीप्लाई होगा 3 से तो 12 आएगा, और डिवाइड होगा 2 से क्योंकि दूसरा टर्म में कर रहे हैं लोग, तो 6 आएगा, 6 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो 12 आएगा, डिवाइड होगा 3 से तो 4 आएगा, और बाकी अल्टरनेट ए प्लस ए माइनस ए प्लस ए माइनस ए प्लस। तो ये हम लोग का बाइनोमियल एक्सपेंशन हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वाई टू उसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो जो वैल्यू हम लोग को पता है उसको पुट कर सकते हैं, जैसे वाई फोर का वैल्यू कितना है 210, माइनस 4 वाई थ्री का वैल्यू कितना है 157, प्लस 6 वाई टू तो मिसिंग है, माइनस 4 वाई वन का वैल्यू है 107, प्लस वाई जीरो का वैल्यू है 100 इक्वल टू 0। तो क्या रिजल्ट आएगा, 210 प्लस नहीं माइनस, 210 माइनस 4728, 15460 और 262, 628 प्लस 6y2 माइनस 428 प्लस 100 इक्वल टू 0। तो 210 और 100 तो 310 हो जाएगा, माइनस 1056 प्लस 6y2 इक्वल टू 0, तो कितना हो जाएगा, 6 में 0 चला जाएगा तो 6, 5 में 1 चला जाएगा तो 4, 10 में 3 चला जाएगा तो 7, माइनस 746 प्लस 6y2 इक्वल टू 0। तो 6y2 बराबर 746, 6y2 बराबर 746, तो y2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, देयरफॉर y2 बराबर 746 बाई 6 यानी 1 2 1 2 4.33, यानी कि जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उसका रिजल्ट हो जाएगा 124.33। इस टाइप से हम लोग का बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा एक्सरसाइज का। इसमें हम लोगों ने बाइनोमियल एक्सपेंशन से क्या किए, इंट्रापोलेटेड वैल्यू निकाले दो गिवन टर्म के बीच का,
एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जिसमें अगर दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो तो उस केस में कैसे सॉल्व किया जाएगा। अगर दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो तो उस केस में कैसे सॉल्व किया जाएगा, वो भी इम्पोर्टेंट है। सिंगल वाला बता दिए, दो वाला टू मिसिंग फ्रीक्वेंसी का टर्म देखते हैं। करें बाय अप्लाइंग बाइनोमियल मेथड, करेंगे बाय अप्लाइंग बाइनोमियल मेथड एस्टिमेट एक्सपोर्ट फिगर, एस्टिमेट एक्सपोर्ट फिगर फॉर द ईयर फ्लोइंग डाटा एक जगह लिखेंगे ईयर और एक जगह लिखेंगे एक्सपोर्ट। ईयर में लिखा हुआ है 2003 से लेके 2009 तक, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009। और एक्सपोर्ट दिया हुआ है, इतना एक्सपोर्ट कर रहे इन करोड़, 16, 20, ये मिसिंग 28, 31, ये मिसिंग एंड 42, ये डाटा दिया हुआ है। हम लोग को क्या करना है, 2005 का एक्सपोर्ट क्वांटिटी निकालना है और 2008 का एक्सपोर्ट क्वांटिटी फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले ये समझिए कि इसमें दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, एक 2005 का एक 2008 का। तो सबसे पहला इंडेक्स जो हम लोग लेंगे वो यहाँ तक लेंगे और दूसरा इंडेक्स यहाँ तक लेंगे। तो देखिए ये आपका कहलाता था एक्स जीरो, ये कहलाता है एक्स वन, ये कहलाता है एक्स टू, ये कहलाता है एक्स थ्री, एक्स फोर, एक्स फाइव, एक्स सिक्स। मतलब ये क्या कहलाएगा, वाई जीरो, वाई वन, वाई टू, वाई थ्री, वाई फोर, वाई फाइव, वाई सिक्स। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, एक बार इंडेक्स कहाँ तक लेंगे, पाई फाइव तक, और दूसरे बार इंडेक्स कहां तक लेंगे, वाई सिक्स तक। इससे हम लोग का दो इक्वेशन बनेगा,
और फाइनली फिर वो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। क्या लिख सकते हैं, इफ इंडेक्स इफ एन इक्वल टू 5 देयरफॉर बायनोमियल फॉर्मेट क्या बनेगा, वाई माइनस 1 का पावर 5 इक्वल टू 0। तो y माइनस वन का पावर 5 इक्वल टू 0 मतलब ये क्या होगा, y5 y4 y3 y2 y1 y0 इक्वल टू 0। यहाँ 1 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, 5 4 20, 2 से डिवाइड होगा तो 10 आएगा, 10 3 30 डिवाइड होगा 3 से तो 10 आएगा, 10 2 20 डिवाइड होगा 4 से तो 5 आएगा और यहाँ 1 आ जाएगा। बाकी प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट, ए प्लस ए माइनस ए प्लस ए माइनस ए प्लस ए माइनस, तो ये बायनोमियल एक्सपेंशन हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके वैल्यू को यूज करेंगे। तो वाई फाइव तो मिसिंग है, वाई फाइव छोड़ देंगे, माइनस 5 टाइम्स ऑफ वाई फोर कितना है 31, प्लस 10 टाइम्स ऑफ वाई थ्री, तो वाई3 कितना है 28, माइनस 10 वाई2, प्लस 5 टाइम ऑफ 20 माइनस 16 इक्वल टू 0। तो ये कितना होगा, y5 माइनस 10y2, जो मिसिंग है उसको एक साइड कर दी, ये कितना हो गया माइनस में 155, प्लस 280, प्लस 100, माइनस 16 इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा, y5 माइनस 10y2 और प्लस में हो जाएगा 380 और माइनस में हो जाएगा 171। तो 380 माइनस 171 कितना आ जाएगा, 10 में 1 9, 7 में 7 0, 3 में 1 2, 209। तो प्लस 209 होगा, उधर जाके माइनस 209 हो जाएगा, जिसको हम लोग इक्वेशन वन मान लें, वाई फाइव माइनस 10y2 इक्वल टू माइनस 209। नेक्स्ट क्या बोले थे कि इंडेक्स कितना लेंगे, 6 लेंगे। लिखेंगे इफ एन इक्वल टू 6, इंडेक्स लेंगे अगर 6, इफ एन इक्वल टू 6 देखिए बन जाएगा वाई माइनस 1 ऑल टू दी पावर 6 इक्वल टू 0, वाई माइनस 1 ऑल टू दी पावर 6 इक्वल टू 0। ये क्या होगा, वाई 6 माइनस वाई 5 प्लस वाई 4 माइनस वाई 3 प्लस y2 माइनस y1 प्लस y0 इक्वल टू 0। ये लिखा है, अभी तो सिर्फ हम लोग y का टर्म्स देखे, अब इसका कोएफिशिएंट भी देखेंगे। तो देखिए कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, फर्स्ट का कोएफिशिएंट हो जाएगा 1, सेकेंड का कोएफिशिएंट हो जाएगा 6, थर्ड का कोएफिशिएंट हो जाएगा 6 5 30 में डिवाइड ओवर 2 से तो 150, इसका कोएफिशिएंट है 15 6 60 डिवाइड ओवर 3 से तो 20 20y3। नेक्स्ट यहाँ पे 60 बनेगा डिवाइड ओवर 3 4 से तो 15 आएगा, फिर यहाँ 6 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। अब हम इसमें भी सभी का वैल्यू पुट करेंगे, तो y6 का वैल्यू कितना है 42 माइनस 6y5 प्लस 15 into 31 माइनस 20 into 28 प्लस 15y2 माइनस 6 into 20 प्लस 16 इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा,
42 माइनस 6y5 प्लस 450 एंड 15 465 माइनस 2560 प्लस 15y2 माइनस 120 प्लस 16 इक्वल टू 0 ये टर्म्स आ गए। तो यहाँ पे y5 और y2 ये दोनों टर्म्स को एक साथ कर रहे हैं, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, माइनस 6y5 प्लस 15y2 पॉजिटिव में कितना हो जाएगा, 465 42 507 एंड 16 523 पॉजिटिव में आएगा 523 माइनस नेगेटिव में कितना आएगा 560 माइनस 120 तो 680 इक्वल टू 0 तो माइनस 6y5 प्लस 15y2 इक्वल टू लिख सकते हैं 10 में 3 चला जाएगा तो 7, 7 में 2 चला जाएगा तो 5, 157 ये हम लोग का हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन दोनों को सॉल्व करेंगे। क्या लिख सकते हैं, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे y5 माइनस 10y2 इक्वल टू माइनस 209 माइनस 6y5 प्लस 15y2 इक्वल टू 157। किसी एक का कोएफिशिएंट इक्वेट करने के लिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा 6y5 माइनस 60y2 इक्वल टू 9654 का 5 या 5 आएगा 6 टू 12 आएगा माइनस 1254 माइनस 6y5 प्लस 15y2 इक्वल टू 157। अब दोनों को अगर ऐड करें तो कट जाएगा, यहाँ जाएगा माइनस 45y2 इक्वल टू 40 में 7 चला जाएगा तो 7, 40 में 5 चला जाएगा 9 और 11 1 तो 10, 1097 माइनस 10 ऐड करें माइनस 1097 तो y2 बराबर क्या हो जाएगा 1097 बाय 45, 1097 बाय 45 जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसका अप्रोक्स रिजल्ट बनेगा 24.4। और फिर क्या करेंगे, y2 का जो वैल्यू है वो या तो इक्वेशन 1 में या फिर इक्वेशन 2 में किसी एक में पुट कर देंगे, y2 का जो वैल्यू है वो किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। उससे क्या होगा कि हम लोग को वैल्यू पता चल जाएगा किसका, y5 का। तो यहां लिख सकते हैं पुट y2 बराबर 24.4 इन फर्स्ट, पुट y2 बराबर 24.4 इन फर्स्ट, तो क्या आ जाएगा y5 माइनस 244 इक्वल टू माइनस 209
new y5 equal to 244 minus 209, this is equal to 35. तो y5 का वैल्यू 35 और y2 का वैल्यू 24.4. ये था हम लोग को जो डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहेगा निकालना रहेगा. तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपके बुक में मिलेंगे जिसे आप कर सकते हैं, जैसे 10 है, 11 है. नेक्स्ट हम लोग क्लास में देखेंगे न्यूटन्स मेथड ऑफ एडवांसिंग डिफरेंट. आज के लिए यहीं तक रखते हैं. थैंक यू.